पहाड़ी आर्मी संगठन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके लिए राज्यपाल को कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है। आपको बता दें, घोटालों के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए सीबीआई जांच कराया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी यूकेपीएससी जो विभिन्न विभागों में कराई गई परीक्षा घोटाले की जहाँ सीबीआई को अविलंब स्थानांतरित करने की कृपा करने की गुजारिश की गई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा पहाड़ी आर्मी संगठन के नेतृत्व में सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से अभी घोटाले निकल के आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है पिछले 22 सालों में उत्तराखंड को बिल्कुल कंकाल करने की रणनीति के तहत भाजपा और कांग्रेस ने जो है मिलकर कंकाल किया है। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए फिरौती लेके ये काम कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत साजिशन हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है। देखिए, आपके ज्ञापन में आप लोगों ने कुछ मांगे उठाई हैं कि कुछ जो भर्तियां हुई हैं उसमें यदि यदि कुछ अनियमितताएं हैं तो उस पर आप लोग कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं किसी तरह की और जांच चाह रहे हैं, तो वो मैं आपका ज्ञापन जो है भिजवा दूंगा। और एक और मांग आई थी जो चोरगलिया से बहुत से लोग मुझसे मिलने आए थे, काठगोदाम के क्षेत्र से बहुत लोग मिलने आए थे, उनका कहना है कि जो गौला रिवर है ये रानीबाग के आसपास लगभग 500 मीटर के